अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो जो है ना रोज़ प्लांट के ऊपर है, जो मैंने ग्रो किया था नर्सरी से लाकर चैनल के ऊपर। इसकी पहली वीडियो पड़ी है कि कैसे इसे ग्रो करना है और नर्सरी से किस हालत में प्लांट ये मिलता है, तो वो देखेंगे फिर आपको इसकी समझ आएगी कि क्या किया था। तो यार ये ना हम माशाल्लाह हर जगह से नई इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो यार मैं जो करता हूँ ना वो बता रहा हूँ आपको, मैं इस स्टेज पे अपने प्लांट के साथ क्या करता हूँ। तो पहला जो काम है ना वो आपने करना है, ये देखें ये खुशक जो शाख है ना इसको उतार देना, हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो ये उतर जाएगी। दूसरा सबसे ज़रूरी काम ये देखें, ये है ग्राफ्टेड पोर्शन, ठीक है, और ये इसके नीचे से ये शक्कर निकल रहा है, और इसकी आप ग्रोथ देखें और इसकी ग्रोथ देखें, दोनों में से सबसे अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। तो ये हमें वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से ये बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पे ना फूल आएंगे और इसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। तो अगर ये हम छोड़ देंगे तो ये जो ग्राफ्टेड हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इस ऊपर वाले पोर्शन की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें ये उतारना पड़ेगा, इसे ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये उतर जाएगा, ठीक है, इसे फेंक दें। तो ये देखें आपके सामने हर जगह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये देखें, ठीक है। तो यार मैं जब इस स्टेज पे मेरा प्लांट होता है ना तो मैं पहले करता हूँ ये काम, गोड्डी कर देता हूँ, मिट्टी सारी नरम करके इसे ज़रा खुशक होने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसे एक आधे दिन की धूप लगाएं, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। हालांकि रोज़ प्लांट को पानी बहुत पसंद है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पसंद कि उसकी जो रूट्स हैं वो ही ख़राब होने लग जाएं। तो खैर ये आपके सामने है इसकी हालत। तो पहले जो मैं बूस्ट करने के लिए से फर्टिलाइज़र डालता ना वो ये है DAP, इसमें नाइट्रोजन 18% मिलेगा आपको, और जो फॉस्फोरस है वो मिलेगा 46%, 46%, और पोटाश इसमें 0 होगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ प्लांट को, नए प्लांट को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मेडिसिन के तौर पे, और कोई वजह नहीं है। इसमें DAP में आपको ना दो तरह की क्वालिटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ये पैक है जी 180 रुपये का, 500 ग्राम का पैक है, 450 ग्राम का, वही 500 ग्राम की पैकिंग है। तो ये आप देख लें, ये है अच्छे वाली DAP, और एक लो क्वालिटी की आती है वो 180 में आपको KG मिल जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा है लेकिन जो रिज़ल्ट ये देती है वो नहीं देती। इसमें यार मैं ना इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें 6 से 7 दाने बस, ज़्यादा नहीं डालने भी आपने, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है फॉस्फोरस भी है, ऐसे एक एक दाना साइड पर करके से डाल दें। केमिकल फर्टिलाइज़र है ये, इतना ही काफ़ी है इतने प्लांट के लिए, क्योंकि ग्रोथ अभी नहीं है, जो पौधे की अपनी नीड होगी उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। इसको आपने पानी लगा देना है बट अच्छी तरह से, ताकि नीचे तक पानी चला जाए। एक दो बार पानी देंगे तो DAP जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है, कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि नई ग्रोथ है तो इसके ऊपर इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक होता है। तो कोई भी स्प्रे ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपने यही लेनी है, मार्केट जाएं उसे कहें कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अच्छी स्प्रे दे दे, एक ही स्प्रे आपके लिए काफ़ी है, जहरीली होती है, ठीक है, इससे तकरीबन हर तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका खात्मा हो जाता है। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक ये ले लूँ वो, इस इंसेक्ट के लिए ये ले लूं, दूसरे के लिए कोई और ले लूं, एक लें यही काफ़ी है। इसे आपने यूज़ करना है 1 लीटर पानी में 1 ml, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा शावर, ये देखें ये मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है 2 लीटर वाला, इसमें 2 लीटर पानी डाल लिया हुआ मैंने, और 2 लीटर पानी में 2 ml, ज़ाहरी सी बात है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसे अच्छे से पंप कर लेंगे, ये देखें इसको ऊपर से अच्छे से नहला देना है, ठीक
है, एक बार वीक में लाजमी इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे किया करें, क्योंकि काफ़ी जो है ना इंसेक्ट का अटैक होता रहता है। ये अच्छे से इसे वॉश कर दें। और आपने एक और काम करना है, जब स्टेज पे या स्टार्ट में ही आपने वो काम ज़रूर करना है कि अपना जो रोज़ का प्लांट है ना, इसके ऊपर पानी का स्प्रे डेली आपने सुबह उठ के करना है, क्योंकि इसे पानी बहुत पसंद है। तो अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसकी जो है ना ये यानी कि ग्रीन रहेगा। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो इसके पत्ते साइडों से जलने शुरू हो जाएंगे और जो प्लांट है उसकी सेहत भी ख़राब रहेगी, फूल भी नहीं इतने आएंगे। तो पानी का स्प्रे इसके ऊपर लाजमी है, आपने डेली पानी का स्प्रे करना है। पानी मिट्टी के अंदर इतना होना चाहिए कि आपकी मिट्टी जो है ना ड्राई ना हो, यानी कि अगर आप गुडाई करते हैं तब तो ड्राई करनी करनी है, उसके अलावा इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। इसे मिट्टी पसंद है गीली गिल्ली, यानी कि इस तरह के गारा ना बनाओ, बस मिट्टी के अंदर नमी हो। जैसे अभी तो ये ड्राई है ना, ऊपर स्प्रे की है तो इस वजह से मिट्टी गिली, ऐसी मिट्टी आपकी हर टाइम रहनी चाहिए। तो यार ये थोड़ी सी केयर है स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनके ग्रोथ बढ़ती जाएगी, इनके फर्टिलाइज़र जितने भी हैं वो इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा। एक वीडियो में यार इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि बंदा ना पजल हो जाता है कि यार ये भी करना है ये भी करना है, और देखने वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये भी डाला ये भी डाला, वो सब कुछ इकट्ठा डाल के अपने प्लांट को ख़राब कर लेते हैं। इस वजह से छोटी छोटी वीडियो आएंगी और इस स्टेज के हिसाब से आएंगी, तो आपने ज़रूर इनको वॉच करना है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी और भी प्लांट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।